Good afternoon, sir. Good afternoon, Amarveer. यस अमरवीर, प्रैक्टिस कर रहे हो? ये जो माई एसक्यूएल के क्वेश्चंस शेयर कर रहे हैं जो हम, हाँ जी सर, मैं पहले तो थ्योरी उनकी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करती हूँ, फिर जैसे जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं उसको प्रैक्टिकल भी करके देखती हूँ। एक्चुअली हमें वीकेंड पर इस बार फिजिक्स की प्रैक्टिकल फाइल आज सबमिट करवानी थी, इसलिए जो लास्ट वाला करवाया वो नहीं कर हाँ पाई। चलो कोई बात नहीं। और माई एसक्यूएल के लिए थ्योरी कहाँ से पढ़ते हो? Wherever you need a theory or like that. सर जो आपने पीडीएफ भेजे हैं वो उनसे भी पढ़ती हूँ, और मोर ओवर बुक है, बुक से ही पढ़ती हूँ ज्यादातर। ओके, सुमिता अरोड़ा वाली बुक है, ठीक। यस सर। यस, गुड आफ्टरनून रोमिका। इससे पहले कौन सी क्लास होती है आपकी? बिफोर दिस केमिस्ट्री केमिस्ट्री क्लास। यस, गुड आफ्टरनून श्रिया। गुड आफ्टरनून सर। और डेली कितनी देर पढ़ते हो? अच्छा, सर ऐसे फिक्स्ड नहीं है ठीक है ठीक है। सर, क्लासेस के बाद पढ़ती हूँ सुबह भी। मतलब पढ़ना भी वेर कह रहा है, और करेक्टर के टाइप रखा हुआ है ना हमने, वेयर का टाइप रखा हुआ है, सो वेरिएबल। सर क्लासेस के बाद बहुत थक जाते, तो उसके बाद मन नहीं करता हाँ, पढ़ने तो थोड़ा का। अपना, थोड़ा ना आईज का भी अपना ध्यान रखना। दैट इज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस इज देयर नाउ डेज ऑन आईज, क्योंकि मोड ऑफ चेंज हो गया है, सो वी आर यस सर। डिपेंडेंट टू मच ऑन दी स्क्रीन, सो दैट्स व्हाई वी शुड बी केयरफुल आल्सो। क्लास बड़ी धीरे धीरे करके ज्वाइन कर रहे हैं, एक एक करके ना। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम इन ज्वाइनिंग, एंड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स ज्वाइन विद इन द लेक्चर आल्सो। सो टुडे आई हैव वन मोर टेबल टू शेयर विद यू। दिस इज द टेबल दैट वी हैव टुडे। सो आप इसकी ये स्नैपशॉट भी ले सकते हो इस टेबल की, सो दैट यू कैन मेक द टेबल ऑन योर ओन आल्सो लेटर ऑन। सो दिस इज ए टीचर टेबल, एंड द इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू टेबल। टेबल इज रिलेटेड टू टीचर ओनली, इंफॉर्मेशन कंटेनिंग अबाउट टीचर, आईडी ऑफ टीचर दैट इज द प्राइमरी की, देन इज द नेम ऑफ द टीचर, एज ऑफ द टीचर, डिपार्टमेंट ऑफ द टीचर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ द टीचर, सैलरी ऑफ द टीचर एंड जेंडर ऑफ द टीचर। सो दीज आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ दिस टेबल। यस, जैस्मिन बना सकते हो ये टेबल? हाउ यू विल मेक दिस टेबल? हाँ,
No, sir, sir, I am understood with the queries, but not the tables. हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. सो वी विल आस्क समवन एल्स टू हु विल बी मेकिंग दिस टेबल. यस, रोमिका रतन कौर एंड दिस निश्चय, प्लीज कीप योर कैमरा एक्टिव. निश्चय रंजन, प्लीज लुक एट द टेबल एंड सुजेस्ट मी हाउ यू विल मेक दिस टेबल. दिस इज द टेबल इन फ्रंट ऑफ यू एंड टेल मी हाउ यू विल मेक दिस टेबल. So next we have few queries pipelined based on this table, and we will solve certain queries based on this table. यस, निश्चय रंजन बना सकते हो ये टेबल. सर एक मिनट फिर से स्क्रीन करियो। एक मिनट. यस, दिस इज द टेबल. यस, ये पहला स्टेप है हमारे पास माई एसक्यूएल में, दैट इज हाउ टू क्रिएट ए टेबल. ज़ैम्प इंस्टॉल किया हुआ है? माई एसक्यूएल इंस्टॉल्ड है सिस्टम पे? जी सर टेबल बनाया अभी तक कोई? बनाया सर। अच्छा, टेबल बनाने से पहले क्या करना पड़ता है हमें? व्हाट वी नीड टू डू बिफोर मेकिंग ए टेबल? सबसे पहले माई एसक्यूएल खोलेंगे, फिर क्रिएट टेबल यूज करना है। नहीं, क्रिएट उससे टेबल पहले एक कमांड। और स्टेप है. देयर इज वन मोर स्टेप बिफोर दिस. टेबल बनेगा नहीं ऐसे. सो वी विल आस्क, मैं देखता हूँ अलर्ट कौन है क्लास के अंदर. यस वंशिका, व्हाट वी नीड टू डू बिफोर क्रिएटिंग ए टेबल? Sir, before creating a table, if we have create, we have to create a database, and if we have created the database already, we have to mark, we have to use database, use database. पहला स्टेप है कि टेबल बनाने से पहले डाटाबेस बना होना चाहिए, एंड वी हैव टू यूज दैट डाटाबेस. एंड थर्ड स्टेप इज बेसिकली दैट इज हाउ टू क्रिएट अ टेबल इन द डाटाबेस. हाँ जी, हाँ जी, निश्चय कुछ निश्चय किया कुछ आंसर करने के लिए? बड़ा इजी क्वेश्चन पूछा है, एंड यस नो में आंसर करोगे बन जाएगा ये टेबल या इट्स डिफिकल्ट? सर अभी नहीं आता मेरे को अभी. हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. सो यस सर, विल आस्क द क्वेरी फ्रॉम यस महक. आप बताओ हाउ यू विल मेक दिस टेबल? सर फर्स्टली वी विल यूज क्रिएट कमांड एंड राइट इट्स नेम, देन वी विल राइट द नेम्स ऑफ कॉलम्स एंड देयर डाटा टाइप्स, एंड देन पुट द वैल्यू, इंसर्ट द वैल्यूज ऑफ द टेबल. हाँ, क्रिएट टेबल में व्हाट वी नीड टू डू, क्रिएट टेबल में क्या क्या मेंशन करोगे? सर क्रिएट टेबल में सबसे पहले हम क्रिएट टेबल जो हमने नाम देना है टीचर्स वो लिखेंगे, हमारी जो जो कमांड इधर कॉलम नेम है वो डालेंगे, उसके साथ डाटाबेसेस उसके अगर हमने कोई चलो ठीक है, ये एज की डाटा टाइप के बाद व्हाट यू विल कीप द डाटा टाइप ऑफ एज? सर कैरेक्टर टाइप. हैं, एज कैरेक्टर डाटा टाइप भी हो सकती है, इंटीजर भी डाल सकती है. हाँ
विश्व ज्योत, और यस माय हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन इज कि जो जो कैमरा जिसका ऑन ही, आई विल कीप दैट पर्सन आउट ऑफ द क्लास. Still three persons are there, Mr. Dilbagh, Priyanshi, Nischiranjan, and Romika. So now, let us say, now we move to the other section, that is how to create the, after creating the table. So I think that everyone will be able to make the table. So based on this table, this is the table we have, and next based on that we have a few queries based on this. Yes, Mehak, aap pehli query aap hi padho. Yes, read the first query. To show all the information about the teacher of history department. Yes, note kar li query. Now you have to tell the answer also. Sir, yahan aayega select star from teacher. Ek minute. So this is the table that we have, and yes, select star from table. Hmm. From teachers. Hmm. Where department is equal to history. Semicolon. Yes. So this is the details of all the employees of history department. So this is very, I think, quite easy query to work with. Clear. So moving to the second query. So, yes, Muskan 11F. Yes, sir. Second query. To list the names of female teacher who are in mathematics department. Yes. So you know the solution? Solution bata doge? Yes, sir. Yes. Wait. हाँ जी बेटा. सर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर. वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू मैथमेटिक्स. एंड जेंडर इक्वल टू फीमेल. एफ. Yeah, so only this one teacher is there who satisfies this condition. Clear? From the mathematics department. Good. So we have a few more students who have joined in the classes, and still number of cameras are not working. Mr. Avi Seth, Ajay Pratap, Priyanshi, Romika, Ishan, Priyanshi, Harshita.
हर्षिता आप भी लेट एंट्री करते हो डेली? इसी टाइम पे करते हो? व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस? और एक है वेयर मिस्टर अजय प्रताप है, अजय प्रताप अपना ये कैमरा ऑन कर लो भाई। सर एक मिनट, थोड़ा नेटवर्क इश्यू लग रहा है। अच्छा ये अजय प्रताप आप क्लास लेट क्यों ज्वाइन करते हो? सर वो कई बार पिछली क्लास लेट हो जाती है। तुम्हारी क्लास ही लेट होती है, बाकी कहां से आते हैं? तू पिछली क्लास कहां पढ़ने चला जाता है? सर मैं उसमें लेट हो जाता हूं ना। अच्छा अच्छा नहीं पिछली क्लास होती कौन सी है पहले चलो ये तो बता दो, कौन सी क्लास होती है पिछली क्लास? केमिस्ट्री। हाँ तो काफी इंटरेस्टिंग है तुम्हारा, यू हैव अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन केमिस्ट्री। बीच बीच में तेरे से आगे से मैं ना दो क्वेश्चन केमिस्ट्री के पूछा करूंगा आगे से, अगर तू क्लास जल्दी नहीं ज्वाइन करेगा तो। कल से हो जाऊंगा ज्वाइन। हाँ चलो कोई बात। नेक्स्ट इज विल नाउ मूव टू द थर्ड क्वेरी, एंड थर्ड क्वेरी यस आप ही बताओगे अजय प्रताप, सो यू विल रीड द क्वेरी नंबर 3 दैट इज। हाँ यस पढ़ो जल्दी जल्दी थर्ड क्वेरी। To list the name of all the teachers with their date of joining in ascending order. कर सकते हैं इसका आंसर? ट्राई करेंगे। हाँ केमिस्ट्री से कर लो ट्राई थोड़ी थोड़ी। चलो यस दिलबाग। हाँ जी दिलबाग कर सकते हो ट्राई? सर हाँ जी हाँ जी करो करो ट्राई शाबाश। सर टेबल दिखाना सर। जस्ट जस्ट मिनट। टेबल सर क्या क्या शो कराना है? नहीं तूने नोट करना है क्या क्या शो करवाना है सर? क्वेश्चन दिखाना। यस टू लिस्ट द नेम्स ऑफ ऑल द टीचर्स विद देयर डेट ऑफ जॉइनिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। करोगे ट्राई? सो मैं दिलबाग सिंह में यस हर्षिता आप ट्राई करोगे? सर टेबल दिखायो। टेबल तुम्हारे सामने ही है और कौन सा टेबल है? Yes, someone else who is ready to respond to this? Yes, yes, Shriya. Sir, its query can be select name from teacher. And then, order by DOJ. Yes, order by date of joining. Clear and so Rakesh has joined. सबसे पहले Rakesh ने join किया, so you see the Rakesh has joined in the year 2007. उसके बाद 2008 में है Sharmila, so like this. So this is in the ascending order. जिस date में teacher ने join किया ही है organization, so उस date में we have to display the names of all the teachers. So what we have done in this query, we have displayed the name of all the teachers. In the sequence, they have joined the departments of, or the organization, we can say. Yes, so moving to the query number 4. So to display the teacher name, salary, age for male teachers only. So
I will select the candidate. So we have, this is a very easy query. Yes, Navdeep Singh. Sir, select hello anjali bolo select name, age, salary from teacher where gender is equal to male. Very good. Yes, so we have to display these name age and name age and name likh diya humne name age and third kya tha salary yeah so these three attributes we have to play. Yes, Navdeep, very good. Next, now we move to the one more query, that is to display name and bonus for each teacher where bonus is 10% of the salary. So one student is ready. So first of all, everyone should try to understand, because bonus is not directly given to us. So we have to display the name and bonus, basically calculation se aayega hamare paas. That is the basically the 10% of the salary. ठीक है, तो who will explain this query? Yes, Vanshika. Sir, in this we have to sir explain or answer. Yes, explain. पहले इसको elaborate कर दो ना, है क्या query में पूछा गया है, इसको elaborate कर दो. सर इसमें पूछा है कि हमें जो एम्प्लॉयज हैं उनका हमें नेम दिखाना है और उनका बोनस दिखाना है. बोनस हमें गिवन नहीं है, हमें 10% की सैलरी जो टीचर की होगी उसके हिसाब से हमें बोनस निकालना है. ठीक है. सो यस, हु विल ट्राई दिस? यस ईशान, करोगे ट्राई इसको? एक तो भाई कैमरा ऑन रखो, देयर आर सो मेनी कैंडिडेट्स. विश्वजीत सर वो बीच में बंद हो गया. एक मिनट, विश्वजीत है, रोमिका है, प्रियांशी है, राजवीर सिंह बाजवा है और जैस्मीन कौर है, नवदीप सिंह. यस और विश्वजीत करो इसको ऑन करो कैमरा को. यस हाँ ईशान, यस जी सर, दिखाना क्वेरी एक बार फिफ्थ वाली ना सर. हाँ जी, फिफ्थ. सर इसमें हमने क्या करना है, हमने नेम और बोनस दिखाना है हर टीचर का, जहाँ जो बोनस है वो सैलरी का 10% है. Query तो explain कर दिया है. Vanshika has explained the query, so you can try it out the answer of this one. सर टेबल दिखाना पूरा. दी टेबल भी है. सर यहाँ पर पहले तो आ जाएगा सिलेक्ट नेम कॉमा सिलेक्ट नेम कॉमा ब्रैकेट्स में 10 divided by 100 इनटू सैलरी. 10 divided by 100 इनटू सैलरी, ये सब ब्रैकेट्स में आएगा. ब्रैकेट क्लोज एज बोनस. Thank you.
क्या हो गया इसमें सर? फ्रॉम टीचर। ओह सॉरी सर। क्लियर। सो दिस इज हाउ वी हैव कैलकुलेटेड द बोनस 10%। क्लियर। तो बेसिकली ये 10% हमने कैलकुलेट करना ऑफ द सैलरी एंड देन वी हैव टू डिस्प्ले इट एज ए बोनस। सो दिस शुड बी द बोनस ऑफ ईच एंड एवरी टीचर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर। सो दिस इज हाउ द 10% बोनस हैज बीन कैलकुलेटेड। We have few more queries based on this table. I will show you the queries. Yes, the same table is here also. So there are three queries are based on this table. The first query is, so you have to basically now tell the output of this query is select department count from teacher group by department. So this is the first query based on the same table. So select department and then we have to basically is query ka result kya aayega, kis tarah ka, koi bata sakta hai iska result kis tarah se ye query hai kya basically? Can someone from this answer can formulate the query? इससे आप क्वेरी बना सकते हैं उससे आंसर से? आंसर तो गिवन है, इसका आंसर भी आ जाएगा अभी एंड समवन कैन फॉर्मुलेट द क्वेरी बेस्ड ऑन दिस। यस यस श्रिया सर, इट्स क्वेरी कैन बी टू डिस्प्ले द नंबर ऑफ टीचर्स फ्रॉम ईच डिपार्टमेंट इन द गिवन टेबल। यस यस वेरी गुड, वेरी वेरी गुड फॉर्मुलेशन ऑफ दिस क्वेरी इज। तो बेसिकली इसमें है क्या, दैट इज डिपार्टमेंट वाइज काउंट बताना है कि हिस्ट्री में कितने टीचर हैं, मैथमेटिक्स में कितने टीचर हैं एंड द थर्ड सब्जेक्ट इज कंप्यूटर साइंस। सो दिस इज व्हाट इज मेंट बाय दिस क्वेरी इज। सो वी कैन टेबल क्या था हमारे पास, सिलेक्ट डिपार्टमेंट एंड देन इट वाज काउंट करना था हमने डिपार्टमेंट वाइज फ्रॉम द टीचर टेबल एंड ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। क्लियर। तो वी कैन से दैट इन कंप्यूटर साइंस वन, कंप्यूटर साइंस ही हमने दो तरह से लिख दिया है तो कंप्यूटर साइंस के भी दो डिपार्टमेंट बन गए हैं बेसिकली। सो दिस इज हाउ, अगर यू नो बेसिकली अगर हम टाइपिंग मिस्टेक करेंगे सो दैट हैज क्रिएटेड टू कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट्स, क्योंकि दोनों का जो नेम है दैट इज नॉट मैचिंग। क्लियर। सो दैट्स वाई कंप्यूटर साइंस एक पहले आ रहा है, फिर से आ रहा है, फिर हिस्ट्री के there are three teachers that belongs to history and three hai with mathematics. So let's see, hum dusre teacher ka bhi ye change kar dete hain. So update table name is teacher set department is equal to computer science. Yeah. So clear. Now you can see the count of computer science has now increased to 2 now. So moving to the next query. So this is the second query. Select the maximum date of joining or dusri hai minimum date of joining from the table. So I think this. The answer will be very easy here. kya aayega iski output mein? Yes, Ajay Pratap se poochte hain. Where is the Ajay Pratap? Yes,
अजय प्रताप बता सकते हो ये सेकंड क्वेरी का क्या क्या बताया गया इसमें, क्या आंसर आएगा इसमें? इसमें आंसर आएगा कि किसने सबसे पहले ज्वाइन किया और किसने सबसे लेट ज्वाइन किया। हाँ, तो सबसे पहले बता सकते हो कि किससे सबसे पहले आएगा, मैक्सिमम से आएगा या मिनिमम से आएगा सबसे पहले? मिनिमम से। मिनिमम से आएगा सबसे पहले, और मैक्सिमम से क्या आएगा? सबसे लेट। सबसे लेट। मैक्सिमम डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड द अदर इज मिनिमम डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड द आंसर इज ऑलरेडी इलैबोरेटेड बाय अजय प्रताप। क्लियर? सो द मिनिमम एंड मैक्सिमम, तो मैक्सिमम इज द लेटेस्ट पर्सन जो जिसने रिसेंटली ज्वाइन किया है, एंड द मिनिमम स्टैंड्स फॉर द हु हैज जॉइंड द वेरी फर्स्ट पर्सन हु हैज जॉइंड द ऑर्गेनाइजेशन। यस, सो वी हैव वन मोर। यस, दूसरे क्वेश्चन में एक साथ में यू सी देयर इज वन मोर टेबल इज गिवन हियर। एक टेबल है हमारे पास, एक और टेबल है पोस्टिंग टेबल भी है। ठीक है, पोस्टिंग टेबल में बताया बेसिकली कि एक तो ये सभी डिपार्टमेंट को नंबर दिया हुआ है कि हिस्ट्री का नंबर वन डिपार्टमेंट है, दैट इज मैथमेटिक्स विद टू, कंप्यूटर साइंस विद थ्री, एंड साथ साथ में क्या दिया है कि लोकेशन बताई है, दैट इज हिस्ट्री डिपार्टमेंट इज इन आगरा, मैथमेटिक्स इज इन रायपुर एंड कंप्यूटर साइंस इज इन दिल्ली। क्लियर? एंड बेस्ड ऑन दैट देयर इज ए थर्ड क्वेरी। तो थर्ड क्वेरी में क्या है हमारे पास, सिलेक्ट टीचर डॉट नेम। तो टीचर टेबल में से हमने ये टीचर, इसमें जॉइनिंग का कंसेप्ट यूज किया है। सबसे पहले दो टेबल्स को क्या किया हुआ है, इसको जॉइन किया हुआ है। ठीक है, एंड कौन कौन से हैं हमारे पास टेबल, एक तो है टीचर टेबल एंड द अनदर इज पोस्टिंग टेबल। ठीक है, तो ये है कि जहां पे हमारे पास दोनों डिपार्टमेंट सेम है इन दी इन दी इन दी पोस्टिंग टेबल एंड इन दी टीचर टेबल, एंड जो पोस्टिंग का प्लेस है वो दिल्ली है, वी हैव टू डिस्प्ले दोज टीचर्स। तो बेसिकली ये जॉइनिंग बेस्ड है। क्लियर? सो वी विल नॉट कंसिडर दिस क्वेरी लाइक। क्लियर? समवन कैन, अगर आप ट्राई करना चाहते हो, सो यू कैन नोट डाउन द टेबल एट्रीब्यूट्स एंड ट्राई दिस क्वेरी आउट। ट्राई भी कर सकते हैं, बट this will be a bit difficult for everyone. Clear? Because अभी joining हमारे syllabus में नहीं है, we will not focus too much on join, because सबसे पहले जो basic है that should be clear to everyone, and then we can switch to this second level. कुछ इतना tough नहीं है, already we have implemented this concept on student teacher table के ऊपर implement किया था, and join का purpose बता सकता है कोई, any student, what is the purpose of joining two tables? जैसे इस टेबल में ज्वाइन किया गया है दो टेबल्स को, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस, बेसिक पर्पस क्या होता है? बेसिक पर्पस, तो ज्वाइन का जो बेसिक पर्पस है, दैट इज नो यू कैन सी हियर कि सर्टन इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, जैसे प्लेस की इंफॉर्मेशन है। सो प्लेस की इंफॉर्मेशन कहां पे है? इस टेबल में है हमारे पास। ठीक है, कि हिस्ट्री डिपार्टमेंट कहां पे है, सो दैट वी कैन नॉट गेस फ्रॉम द फर्स्ट टेबल। फर्स्ट टेबल में ऐसा कुछ नहीं है, लोकेशन नहीं बताई हुई इसमें। ठीक है, सो दैट इज अवेलेबल इन द सेकंड टेबल। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बिकॉज जॉइनिंग के लिए अगर हमने लोकेशन के लिए अगर हमने फाइंड आउट करनी है इंफॉर्मेशन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू जॉइन दीज टू टेबल्स। तो किस एट्रीब्यूट के बेस पे हम ज्वाइन कर सकते हैं दोनों टेबल्स को, कोई बता सकता है? दिस इज द टेबल नंबर टू एंड दिस इज द फर्स्ट, ये टीचर टेबल है और ये कौन सा टेबल है हमारे पास, पोस्टिंग टेबल। तो हाँ, यस श्रीया सर, डिपार्टमेंट
attribute. हाँ, department attribute. So basically department attribute क्या है ना, department attribute will become a foreign key. जैसे यहाँ पे department table है, और sorry column है, और हमारे पास department column is here also. और यहाँ पे देखो department is not repeated here. ठीक है. So this is almost it's basically ये primary key बन जाता है. Foreign key का यही concept होता है. That is it points to the other tables. प्राइमरी की, क्लियर. तो ये प्राइमरी की को क्वालिफाई करना चाहिए. ये नहीं है कि ये जरूरी है प्राइमरी की होना ही चाहिए, बट इट हैज द फीचर्स ऑफ प्राइमरी की. बिकॉज प्राइमरी की के अंदर क्या होता है कि कोई नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए, और दूसरा कोई भी रिपीटेड वैल्यू नहीं होनी चाहिए. सो दिस इज कंबाइनिंग दी बोथ दी फीचर्स, बिकॉज देर इज नो नल वैल्यू इन द डिपार्टमेंट एट्रीब्यूट एज वेल एज देर इज नो नल वैल्यू. एंड यू कैन सी इन द क्वेरी ऑल्सो that both these tables have been, ये है basically, यहाँ पे जो where के बाद condition लगी ना, ये this step is basically known for the natural join. इससे हमने दोनों tables को आपस में join किया है. That is जो teacher table का department attribute है, and similarly posting table का department attribute है. Both will be equated first, and साथ साथ में पोस्टिंग कौन सी होनी चाहिए, दिल्ली. सो ऑल दोज रिकॉर्ड्स विल बी डिस्प्लेड, जिसमें टीचर नेम डिस्प्ले हो जाएगा, टीचर का डिपार्टमेंट डिस्प्ले हो जाएगा, और टीचर कहां पे पोस्टेड है, ये हमारे रिजल्ट में आ जाएगा. सो बिकॉज आई हैव नॉट मेड दिस पोस्टिंग टेबल, अदरवाइज मैंने इसका आपको रिजल्ट दिखा देता अभी आपको. सो अगर आपने फॉरन की कंसेप्ट पढ़ना है, सो यू कैन इम्प्लीमेंट दिस कंसेप्ट ऑल्सो. हाँ यस गुरलीन. हाँ जी सर, अगर हम इसमें फॉरेन की डिपार्टमेंट लेंगे पोस्टिंग वाले टेबल में, फिर सर जो फर्स्ट टेबल है टीचर्स टेबल, उसमें प्राइमरी की कौन सी लेंगे? फर्स्ट टेबल में तो ऑलरेडी है हमारे पास ये टीचर आईडी इज द प्राइमरी की. पर सर अगर ये प्राइमरी की और फॉरेन की, फिर वो कनेक्ट कैसे होंगे? तो कनेक्ट ही तो किया यहाँ पे ये सर. पर ऐसा नहीं होता कुछ की ये दोनों सेम होने चाहिए फिर कनेक्ट होते हैं, जैसे प्राइमरी की और फॉरेन की वाले सेम होने चाहिए दोनों? नहीं नहीं, फॉरेन की शुड पॉइंट टू दी अदर टेबल्स प्राइमरी की. तो ये कंडीशन क्वालिफाई कर रहा है ये दी अदर टेबल. ठीक है, इट इज बेसिकली क्वालिफाइंग दी कंडीशंस. द बेस्ट वे इज दैट अगर मेरे पास ये टेबल बना होता, सो आई शुड हैव डेमोंस्ट्रेटेड. मैंने ये सेकंड टेबल अभी बनाया नहीं है, पोस्टिंग टेबल. आई हैव सीन इट नाउ. Clear. तो इसको next class के अंदर इसको implement कर लेंगे, and you can concentrate on how this basically the foreign key concept is implemented. Simple query है ये, it's not very difficult. So I am assuming that everyone is working on the practical file, so that in the next couple of days you are ready with your practical file, and as well as you are practicing this whatever the questions we are discussing in the class. So it's very very important that if you are practicing these question, agar aap just inko attend kar rahe ho, to then it will not serve the purpose. Yes, Jasmine Kaur Sender. Beta, yes sir. Beta, class mein aap regularly aaya karo ya visit karne aate ho ki class isi time pe chalti hai ya nahi chalti? Sir, nahi, wo kuch din se nahi aa rahi thi, waise I was regular. और कैसा जो क्लास में जो आज पढ़ाया है, समझ आया कुछ या नहीं? सर समझ आया. ठीक है. और बेटा सारे सारे जो है जितने स्टूडेंट्स हैं, ट्राई टू प्रैक्टिस. ये ना कि चार पांच स्टूडेंट ही आंसर करते रहे बाद में, सो दैट विल नॉट सर्व द पर्पस. अभी हमारा जो बेसिक एम है, दैट इज नो, जितना आप प्लस वन में काम कर लोगे, मैं आपको एक सिंपल सी बात है, दैट यू विल बी वेरी मेकिंग ए वेरी इफेक्टिव प्रोजेक्ट्स इन प्लस. So that is now the we are working on the groundwork for plus two. जितना plus one में आपका concept अच्छा build up हो जाएगा, next year में आप उतना ही comfortably आप उसके अंदर काम कर लो. Clear? So that is the purpose is there, that जितना हम expose होंगे, जितने ये इनको हम practically run करके देखेंगे, because now theory को अगर आप ऐसे काम करोगे कि ये फॉरेन की ऐसी होती है, प्राइमरी की ऐसी होती है, ऐसे इससे समझ नहीं आता कुछ भी. जब आप प्रैक्टिकली इसको चार पांच बार करके देख लोगे, सो फॉरेन की का कंसेप्ट और प्राइमरी की कंसेप्ट ये कभी भी भूलेंगे नहीं आप लोग. क्लियर? सो एवरीवन शुड ट्राई टू बेसिकली
put some time on this. Yes, at last, किसी का कोई question है? Any question है? कोई query है किसी की? So we have discussed so many queries. So try to implement all these things at home also. और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं दैट सैटरडे को हमारी क्लास में तो आधी स्ट्रेंथ भी नहीं रह जाती, वीकेंड पे चले जाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स. सो ट्राई टू बी रेगुलर इन दी क्लास. जैस्मीन आप भी क्लास में रेगुलर रहा करो, आप भी 11 सी. हाँ ठीक है. तो रेगुलर रहने से भी कंसेप्ट के ऊपर हमें धीरे धीरे करके पता लगना शुरू हो जाता है. एंड अजय प्रताप विल स्टार्ट कमिंग ऑन टाइम, तो थोड़ा केमिस्ट्री से डिटैच होना है और आईपी के साथ अटैच होना है. So that is the formula for the day. So I hope that no one is having an yes. Gurleen has raised the question. Yes, Gurleen. Sir, मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि वो दोनों primary और foreign. हाँ, कोई नहीं. कल वाली class में वो table मैं बनाऊंगा, posting table. So then we will discuss that practically. ऐसे theoretically पता नहीं चलेगा दोनों tables कैसे queries, जो third query है उसको run करेंगे कल. So ठीक है. So, आप भी ट्राई करना अपनी साइड पे, आई विल आल्सो ट्राई. ये अगर आपको ये पेपर चाहिए, दिस पेपर इज फ्रॉम द सीबीएसई वेबसाइट. ठीक है, अगर आप क्वेरीज की प्रैक्टिस करना चाहते हो, सो दैट इज अवेलेबल ऑन सीबीएसई वेबसाइट, वहीं से मैंने लिया है. सो यू कैन टेक अप माई एसक्यूएल बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम देयर. ठीक है, सीबीएसई की वेबसाइट कौन सी है, आई विल टेल यू. ठीक है, ये है सीबीएसई academic.nic.in. तो इसमें ये अवेलेबल है दीज पेपर्स, ओल्ड पेपर है आप लोगों के. सो बेस्ड ऑन देर आर क्वेश्चन आर अवेलेबल बेस्ड ऑन माई एसक्यूएल. सो थैंक यू वेरी मच एवरी वन फॉर बींग इन द क्लास. थैंक्स बड़ा. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू. थैंक यू सर.